आज हम बनाने वाले हैं ये इस तरह की लाइट जो कि चार्ज होती है। ये देखो यह 5 वोल्ट चार्जर से चार्ज होती है जिससे हमारा फ़ोन चार्ज होता है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, काफ़ी हाई उजाला है इसका। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको चला कर दिखाता हूँ, दिन में आपको नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी मस्त प्रोजेक्ट है। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिंस, प्रिंस लाइव एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, पास वाले बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लो। इससे क्या होगा, मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं इस चीज़ की मेकिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक ख़राब एलईडी लाइट ले लेंगे। तो ये एकदम बिल्कुल ख़राब एलईडी लाइट है, आप कोई सी भी एलईडी लाइट ले सकते हो। इसके अंदर की जो प्लेट थी मैंने इसको निकाल लिया है और इसके अंदर जो ये वो लगी रहती है लोहे की सी प्लेट, इसको भी निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। अब फ्रेंड्स हमको आगे क्या करना है, हम चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं 18650 लैपटॉप की बैटरी ले रहा हूँ। हमको इसको इस तरीका से इसके अंदर लगाना है, आपके पास जो बैटरी आप अवेलेबल हो और इसके अंदर सेट हो जाए उसको लगा लेना। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर लोहे की प्लेट के अंदर होल करेंगे जिससे कि हमारी बैटरी इसके आर पार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये होल कर लिया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी है, मैंने यहाँ पर ये कैंची की मदद से किया है और ये देखो यहाँ पर ये बैटरी आर पार हो रही है इसके। अब चलो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ आगे क्या करना है। हमको बैटरी को इसके अंदर सेट करना है इस तरीका से। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके जो हमारी लाइट के जो दोनों वायर हैं उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर देना है, लाल और काले वायर को कनेक्ट कर देना है। हमको ध्यान रखना है कौन सा वायर किस तरह कनेक्ट किया है और उसके साइड में हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेंगे ऊपर की साइड में। मैं बता दूँ किस लिए लिखना है, आगे आपको मैं वीडियो में बता दूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बैटरी को सेट करने से पहले इसके अंदर हम स्विच लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीका से मैं यहाँ पर इसको स्विच लगाऊंगा, तो मैं स्विच लगा के दिखाता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको स्विच को लगा लिया काफ़ी बढ़िया तरीका से। आपके पास जो स्विच अवेलेबल हो वो लगा सकते हो, मैं यहाँ पर वैंड स्विच लगा रहा हूँ। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर और बैटरी का नेगेटिव वायर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बैटरी का नेगेटिव वायर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वायर को डायरेक्टली यूँ ही ऊपर ले लेंगे और एक नेगेटिव वायर वहाँ से आ जाएगा हमारे स्विच से। तो काफ़ी ईजी कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स और आप मेरे साथ वीडियो बने रही, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, पास वाले बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लो। और फ्रेंड्स हमें पॉजिटिव नेगेटिव वायर उसके लाइट वाले जो दो लाल वाले वायर हैं उनके साथ भी कनेक्ट करना है। अब देखो मैं आपको समझा दूँ कि किस तरीका से मैंने किया है। अब देखो फ्रेंड्स इसके ये दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव वाले वायर मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं लाइट के इस तरीका से, और एक वायर मैंने नेगेटिव स्विच के साथ कनेक्ट करके ऊपर निकाल लिया लाइट के लिए। और फ्रेंड्स एक रेड वायर निकाल लिया पॉजिटिव लाइट के लिए। जो नीचे हमने कनेक्ट किए हैं वो चार्जिंग के लिए कनेक्ट किए हैं, जो मैं बोल रहा था कि लाइट के लिए लाइट वाले कनेक्ट करने वायर हैं ये हमने चार्जिंग के लिए कनेक्ट किए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीका से इसको लगा लिया यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीका से यहाँ पर, और यहाँ पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर इस तरीका से मैंने लिख लिया ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कौन सा वायर उनको कहाँ लगाना चार्जिंग के टाइम पर। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह की ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ। आप फ्रेंड्स कोई सी भी लाइट यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, आप मेरे से तगड़ी भी लाइट यूज कर सकते हो ज़्यादा उजाला चाहिए तो। अगर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो देखो फ्रेंड्स इस तरीका से मैंने इस लाइट को सेट कर दिया, यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। काफ़ी मस्त तरीका से यहाँ पर ये सेट हो चुकी है, ये देखो बढ़िया तरीका से यहाँ पर सेट हो चुकी है। और फ्रेंड्स हम पीछे से जो होल्डर वाले वायर हैं उनसे हम इसको चार्ज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताता हूँ आगे हमको क्या करना है। हम इसके ढक्कन को लगा देंगे और चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा दूँ। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है ये हमारी लाइट। तो चलो फ्रेंड्स मैं आपके आगे और बताता हूँ। और फ्रेंड्स हमको इसे चार्ज कैसे करना, हमने जो दो वायर कनेक्ट किए थे लाइट वाले इसके इसी के अंदर जो थे हमने चार्जिंग के लिए किए थे। आप या तो इस तरीका से डाटा केबल को इसके साथ अटैच कर सकते हो, या फ्रेंड्स आप इसे डाटा केबल को होल्डर में लगा के और जब इसे चार्जर में लगा के इस लाइट को होल्डर में लगा दो तो आसानी से ये चार्ज हो जाएगी। आप फ्रेंड्स इसके अंदर जैक भी लगा सकते हो लेकिन वायर थे मैंने इसलिए इसी को यूज़ किया। चलो फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अंधेरा हो, मैंने इस लाइट को चालू कर दिया। देखो काफ़ी मस्त भाई, बहुत तेज उजाला है इसका, इमरजेंसी टाइम में काफ़ी बढ़िया वर्क करेगी आपकी, और रिचार्जेबल लाइट है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल तो सब्सक्राइब करना। अब देखिए अंधेरा हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसका नाइट टेस्ट करके दिखाता हूँ चलिए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है।
ये देखो फ्रेंड्स अब अंधेरा हो रहा है, मैं इस लाइट को ऑन करता हूँ। ये देखो मेरे जितने भी मैंने थोड़े बहुत औजार रखे हैं तो इनको काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखा रही है हमको और काफ़ी मस्त वर्क कर रही है। अब फ्रेंड्स काफ़ी चीप प्राइस में बन जाती है। तो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।